जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोशिका विभाजन के बारे में देख लिया है और उसी के कड़ी में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो कोशिका विभाजन को दो भागों में बांटा था, एक है इंटरफेज और दूसरा था तो हम लोगों ने एम फेज में देखा है कि इसमें इसको चार भागों में बांटा था, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो जो एम फेज होता है उसमें हम लोग देखा था कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है, एक होता है अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री को हम लोगों ने देखा था कि जो असूत्री होता है वह मुख्यतः जो छोटे जीव जंतु होते हैं या फिर जो प्रोक्रियाटिक जीव होते हैं उनमें होता है, और जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है वह मुख्यतः जो सोमेटिक सेल होता है, सोमेटिक सेल कहने का मतलब जो हमारा शरीर है उसमें जो कहीं कट जाता है या फिर कुछ हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है कोशिका, तो उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा या फिर माइटोसिस के द्वारा वह दूसरा कोशिका का निर्माण करता है। और लास्ट में हम लोगों ने तीसरा देखा था अर्धसूत्री। इसमें यह होता है कि जो 2N होता है, 2N क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं तो इसमें यह चार अविभाजित क्रोमोसोम का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह चार क्रोमोसोम का निर्माण होता है। हम लोगों ने देखा था किसमें, अर्धसूत्री में देखा था। तो अर्धसूत्री में हम लोगों ने देखा था कि जो 2N मतलब जो क्रोमोसोम की संख्या मान लिया जाए 2N है तो वह जो डॉटर सेल होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या NNN और N होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा कि 2N क्रोमोसोम्स में इसमें चार क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो इसी सब के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं जो एम फेज होता है उसके बारे में। जो एम फेज होता है उसमें हम लोग असूत्री के बारे में जानते हैं। तो असूत्री हम लोग के एग्जाम के पर्पज से या किसमें होता है बस इतना जान लिया जाए तो सफिशियंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है या फिर माइटोसिस होता है, यह इसको सबसे पहले किसने देखा था, एडवर्ड स्ट्रासबर्गर के द्वारा इसको देखा गया था और इसी का अध्ययन किया गया था। और इन्होंने ही बताया था कि जो समसूत्री विभाजन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो इसमें देखते हैं जो समसूत्री विभाजन होता है इसको हम लोगों ने चार भागों में बांटा है और एक पांचवा भाग है साइटोकाइनेसिस। तो इसमें जो चार भाग हैं उसको हम लोग देखते हैं, फिर पांचवा देखेंगे साइटोकाइनेसिस। जो चार भाग होते हैं यही केंद्रक विभाजन का होता है। केंद्रक हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, इसको अभी बताने की जरूरत नहीं है। केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन में यह चार फेज होता है और जो एक साइटोकाइनेसिस होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें प्रोफेज यानी कि पूर्वावस्था और दूसरा होता है मेटाफेज मतलब इसको मध्यावस्था बोला जाता है, और तीसरा देखते हैं एनाफेज इसको पश्चावस्था बोला जाता है, और देखते हैं चौथा नंबर टीलोफेज इसको अंत्यावस्था बोला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोफेज या पूर्वावस्था के बारे में कि पूर्वावस्था में किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है या फिर किस प्रकार से इसमें होता है। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो कोशिका होता है, कोशिका को यदि बीज से विभाजित कर दिया जाए तो इसको बोला जाता है इक्विटोरियल बोला जाता है, और इसको बोला जाता है पोल बोला जाता है या फिर ध्रुव बोला जाता है, हिंदी में ध्रुव बोला जाता है और इंग्लिश में पोल बोला जाता है, और जो बीच वाला होता है उसको इक्विटोरियल बोला जाता है, ठीक है। और जो इस क्षेत्र में होता है उसको क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है या फिर ध्रुव बोला जाता है, बीच वाले भाग को इक्विटोरियल बोला जाता है। यदि इसको मैं पूरा कोशिका मानूं तो जो ऊपर वाला या फिर एक जो किनारे किनारे भाग होता है उसको पोल बोला जाता है या ध्रुव बोला जाता है, और बीच वाला जो भाग होता है उसको इक्विटोरियल बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रोफेज के बारे में। यदि इसको मैं कोशिका मानूँ या फिर इसको कोशिका के रूप में देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, और ये क्या होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक में हम लोग जानते हैं कि धागेनुमा इसमें संरचना बहुत सारा पाया जाता है, और इसी धागेनुमा संरचना को ही क्या बोलते हैं, हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमेटिन जब बहुत सारे टूट टूट कर दो क्रोमेटिन एक साथ जुड़ जाता है इस प्रकार से तो इसको बोला जाता है क्रोमोसोम बोला जाता है या फिर गुणसूत्र बोला जाता है। तो जब कोशिका विभाजन होने वाला रहता है उसी टाइम ही ये जो क्रोमेटिन होता है ये टूट जाता है और क्रोमोसोम का निर्माण करता है, और क्रोमोसोम फिर यही क्या होता है कि कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ठीक है, या फिर कोशिका विभाजन में ये स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगता है।
तो फर्स्ट स्टेप देख लिया हम लोगों ने कि जो क्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, टूट टूट के क्रोमोसोम का निर्माण करता है। दूसरा स्टेप हम लोग इसमें देखते हैं कि जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक में इसका केंद्रिका झिल्ली होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वह क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। और यह डिजॉल्व होने के बाद में यह जो क्रोमेटिन होता है वह क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसमें जो क्रोमोसोम होता है वह किस प्रकार से दिखने लगता है, क्रोमोसोम इस प्रकार से दिखने लगता है इसमें। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम यह अब स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगता है, तो इसमें हम देखते हैं आगे तीसरा स्टेप हम देखते हैं इसमें जो सेंट्रोसोम होता है वह सेंट्रोसोम भी क्या होता है कि सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स पाया जाता है या सेंट्रियोल्स दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और यही सेंट्रियोल्स क्या करता है कि यह ये क्या है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के जो अंदर में सेंट्रियोल पाया जाता है वही सेंट्रियोल दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और यही सेंट्रियोल्स क्या करता है, सेंट्रियोल्स यह दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। बस इतना ही, तीन स्टेप होता है इसमें, किसमें, जो प्रोफेज या पूर्वावस्था होता है उसमें तीन स्टेप होता है। पहला स्टेप इसमें होता है कि जो क्रोमेटिन होते हैं वह टूट टूट कर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। दूसरा देखते हैं कि इसमें जो केंद्रक झिल्ली होता है वह डिजॉल्व हो जाता है। और तीसरा देखते हैं इसमें जो सेंट्रोसोम होता है वह सेंट्रोसोम के अंदर में जो सेंट्रियोल पाया जाता है वही दोनों ध्रुवों की ओर या दोनों पोल की ओर चला जाता है। इतना होता है फर्स्ट स्टेप में, मतलब प्रोफेज में या पूर्वावस्था में होता है। आगे देखते हैं हम लोग मेटाफेज या मध्यावस्था। मेटाफेज में क्या होता है कि जो इसमें इक्वेटर होता है या इक्वेटोरियल में ये क्या होते हैं, इस प्रकार से ये अरेंज हो जाते हैं। और इसमें स्पेंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, स्पेंडल फाइबर का निर्माण होता है। और यहाँ को क्या बोलता है हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेंट्रियोल्स, और इसको तारक केंद्र बोला जाता है। और जो ये इस प्रकार से जो धागेनुमा इसमें जो क्रोमोसोम होता है उसको बांधे रहता है उसको बोला जाता है स्पेंडल फाइबर्स, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, तर्कु धागा या तर्कु धागे। देखते हैं हम लोग इसमें कि जो क्रोमोसोम होता है उसको एक तारक केंद्र से दूसरे तारक केंद्र की ओर एक दूसरे को बांधे रखता है, वो कौन होता है, तर्कु धागे या फिर स्पाइंडल फाइबर्स होता है, यह इसको बांधे रखता है। मेटाफेज में दो स्टेप होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है वह एक इक्वेटोरियल में स्थिर हो जाते हैं, इक्वेटोरियल में अरेंज हो जाते हैं। और दूसरा स्टेप देखते हैं इसमें कि जो तर्कु धागा होता है वह सेंट्रियोल्स से उसको बांधे रखता है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग एनाफेज या फिर पश्यावस्था। पश्यावस्था में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये काफ़ी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें देखते हैं जो तर्कु धागा होता है यही तर्कु धागा ये धीरे धीरे करके टूटने लगता है और एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से जुड़ने लगता है। मतलब वहाँ धागा है वह धागा बीच बीच में टूट जाता है और फिर वो क्या होता है, निकल निकल के जो बचा रहता है वही उसमें मिलते जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी लंबाई कम हो जाता है और इस प्रकार से ये जो क्रोमोसोम होता है उसको यह खींचने का कार्य करता है। और खींचने के कारण जो क्रोमोसोम होता है वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम लोग ये मानते हैं कि ये क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम क्या करता है, बीच में से टूट जाता है। और टूटने के बाद में फिर ये क्या करता है, इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और ये डिवाइड होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे करके ध्रुव की ओर आने लगते हैं। किस में होता है ये, एनाफेज या पश्यावस्था में होता है। तो इसको हम लोग अभी क्रोमोसोम को क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद में ये धीरे धीरे क्या करता है, आगे मतलब ध्रुव की ओर बढ़ने लगता है। एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और ये क्या करते हैं, ध्रुव की ओर चलने लगते हैं या फिर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि ये जो तर्कु धागा होता है यह तर्कु धागा एक दूसरे मतलब खींचने लगता है, खिंचाव उत्पन्न करता है। क्योंकि ये तर्कु धागा टूट टूट बीच में टूट जाता है और फिर वो जुड़ते जाता है। जो तर्कु धागा है उसको एक धागे के रूप में मानता हूँ मैं, तो इसको यहाँ से बीच से टूट गया है और ये टूटने के बाद में ये अलग हो गया और इसमें देखते हैं कि ये फिर से ये जुड़ जाता है। तो ये छोटा हो गया ना, धीरे धीरे करके क्या होते जाएगा, धीरे धीरे करके छोटे होते जाएगा।
इस प्रकार से ये छोटे होने लगता है। तो छोटे होने के कारण ये क्या करता है, जो क्रोमोसोम होता है उसको खींचता है और ध्रुव की ओर ले आता है। ध्रुव की ओर लाने के बाद में यह देखते हैं कि जो एनाफेस होता है उसी में ही ये ध्रुव की ओर लाने लगता है। इसको हम लोग देखते हैं, चलिए इसको आगे बनाते जाते हैं। तो ये होता है, देखते हैं इसमें हम लोग, इस प्रकार से ये ध्रुव की ओर जाने लगते हैं और ध्रुव की ओर जाने के बाद में एक गुच्छे के रूप में एक दूसरे के साथ फिर जुड़ जाते हैं। और जो टेलोफेस होता है या अंत्यावस्था होता है, इसमें ये क्या करता है कि ये पूरी तरह से ये क्या करता है कि पूरी तरह से ये ध्रुव की ओर पहुंच गया होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ये जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर यह क्रोमोसोम फिर से क्या करता है, क्रोमेटिन बनता है। मतलब क्रोमोसोम जो टूटा हुआ होता है वही फिर से जुड़ कर क्रोमेटिन का निर्माण करता है और इस प्रकार से यह धागेनुमा संरचना के रूप में फिर से यह बदल जाता है। धागेनुमा संरचना के रूप में बदलने के बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो कोशिकांग या फिर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वही क्या होता है, कॉपी बनते जाता है और वह फिर से यहाँ केंद्रक जो फर्स्ट अवस्था में हुआ रहता है, जो प्रोफेज में जिस प्रकार से हुआ रहता है उसका जस्ट उल्टा इसमें होने लगता है। मतलब इसमें देखते हैं हम लोग कि जो क्रोमोसोम होता है वह क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन बनता है और इसमें जो केंद्रक झिल्ली होता है या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वह फिर से बन गया होता है और बनने के बाद में फिर इसमें केंद्रिका का भी निर्माण हो जाता है और इसमें सभी कोशिकांग होते हैं वे निर्माण कर लेते हैं। मतलब उसका दो कॉपी हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होता है या प्रकार से एक खांच का निर्माण करता है। मतलब इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ जुड़ने लगता है। इस प्रकार से यह धीरे धीरे करके यहाँ से फिर एक खांच के रूप में या खांचे के रूप में निर्माण होने लगता है और फिर लास्ट में क्या होता है कि ये पूरी तरह से अलग हो जाता है और यहाँ जो खांच बनता है उसी को इंग्लिश में क्लीवेज फरो बोला जाता है। यहाँ जो विभाजन खांच बनता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लीवेज फरो बोला जाता है और यही क्लीवेज फरो क्या करता है, डिवाइड होके दो कोशिका का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वह जितना होता है उतना ही डॉटर सेल में भी उतना ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम वह हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज में जो सिंथेसिस एस वाला फेज होता है उसी में ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया होता है। मतलब फोटोकॉपी उसका बन गया होता है। मतलब एक डीएनए दो डीएनए का निर्माण कर लिया रहता है और यही डीएनए ही आगे चलकर फिर ये क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वही क्रोमोसोम क्या करते हैं, अलग अलग होकर फिर से निर्माण करते हैं। मतलब इसमें मैं मान के चलूँ कि इसमें 46 गुणसूत्र थे तो ये भी 46 गुणसूत्र हो गए, दोनों में एक दूसरे में 46 गुणसूत्र हो गए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि मैं सेल में मानूँ 2n क्रोमोसोम था तो इसमें जो डॉटर सेल हुआ उसमें भी 2n क्रोमोसोम का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से 2n क्रोमोसोम के निर्माण 2n क्रोमोसोम के निर्माण से जो कोशिका में होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या एक समान बना रहता है। इसमें एक मेटाफेज में आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जो मेटाफेज होता है उसमें मेटाफेज होता है वह स्टडी के लिए या फिर साइंटिस्टों की स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इसको मेटाफेज को यदि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए स्थिर अवस्था में रखना चाहें तो इसमें एक केमिकल यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है फेज होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसी में ही क्रोमोसोम का पूरा स्टडी किया जाता है या फिर इसी को विकसित अवस्था में होने के कारण इसी अवस्था को थोड़ा सा स्थिर करके इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मेटाफेज होता है उसको अधिक समय तक स्थिर किस केमिकल के द्वारा रखा जा सकता है, तो वो कौन सा होता है, कोल्चिसिन केमिकल के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग प्लांट सेल में कि इसमें जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें यह साइटोकाइनेसिस में इसमें
ये केंद्रक हो गया, ये भी केंद्रक हो गया, तो और ये क्या है, सेल वाल है। प्लांट सेल में, प्लांट सेल में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्लीवेज फरो होता है उसका निर्माण गॉल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, और गॉल्जी बॉडी ही इसमें सेल प्लेट का निर्माण करता है, और सेल प्लेट के निर्माण के कारण ही यह एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, सेल प्लेट का निर्माण करता है। कहने का मतलब जो क्लीवेज फरो का निर्माण कौन करता है, तो प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडी के द्वारा सेल प्लेट का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गॉल्जी बॉडी के द्वारा सेल प्लेट का निर्माण होता है, सेल प्लेट के निर्माण के कारण ही इसमें क्या होता है, एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये केंद्रक है, सेल वाल है। तो इस प्रकार गॉल्जी बॉडी के द्वारा सेल प्लेट का निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि प्लांट सेल में सेल प्लेट या फिर कोशिका विभाजन के समय क्लीवेज फरो का निर्माण कौन करता है, तो इसमें कौन करता है, गॉल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, और उसमें तो सेंट्रोसोम के द्वारा ही। हम लोग जानते ही हैं कि जो जंतु कोशिका होता है, हम लोगों ने कोशिका वाले एक चैप्टर में पढ़ चुका है कि जो सेंट्रोसोम होता है वही क्या करता है, कोशिका विभाजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें जो प्लांट सेल में होता है वो कौन करता है, गॉल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग माइटोसिस के लाभ या बेनिफिट। बेनिफिट में हम लोग देखते हैं कि जो सोमेटिक सेल होता है, मतलब जो सोमेटिक सेल कहने का मतलब है कि जो कायिक कोशिका कहने का मतलब है जो बॉडी होता है, हम लोग का जो शरीर है उसी का ही एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है, वो किस में होता है, बॉडी सेल या फिर सोमेटिक सेल। सेल का निर्माण माइटोसिस के द्वारा होता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग की जो जनन कोशिका होता है, जनन कोशिका में यह पहले देखते हैं हम लोग की यह 2N होता है, और 2N होने के बाद में 2N जनक कोशिका में होता है, यही 2N क्या करता है, मियोसिस के द्वारा N का निर्माण करता है, कई 4N का निर्माण होता है, और यही 4N जब वृद्धि करने वाला होता है और इसमें वृद्धि करना होता है तो यही क्या करता है कि ये माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। मियोसिस ये क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या को रिड्यूस कर देता है, और यह रिड्यूस करने के कारण ही क्या होता है, NN का निर्माण होता है, मतलब जितना क्रोमोसोम होता है उसमें का आधा होता है। जो मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, तो ये या 46 होता है, या 46 जो जनन कोशिका होता है उसमें क्या हो जाता है, यह जनन कोशिका में इसका आधा हो जाता है, मतलब 23 हो जाता है। 23 क्रोमोसोम यही आगे बढ़कर वृद्धि करना होता है, तो उसमें माइटोसिस होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इसको मान के चले हम लोग कि यह मेल का है, और फीमेल में भी ऐसे ही होगा, तो फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 क्रोमोसोम का निर्माण। और तीसरा देखते हैं इसमें कि जो घाव भरना होता है, जो हम लोग के शरीर या फिर जीवों के जो शरीर होता है उसमें घाव भरना होता है, यदि घाव भरना हो तो माइटोसिस के द्वारा ही इसमें कोशिका का वृद्धि होता है। और देखते हैं हम लोग इसमें कि जो कैंसर होता है वह भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैंसर होता है वह किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, वह समसूत्री विभाजन के द्वारा कैंसर का निर्माण होता है। और देखते हैं हम लोग कि जैसे चूहा है, चूहा का पूंछ हो गया या फिर छिपकली का पूंछ हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा भी उसमें टच कर देते हैं छिपकली में या फिर चूहे के पूंछ को यदि पकड़े रहे तो चूहा क्या करता है, पूंछ को छोड़ देता है, पूंछ को तू पकड़े रहा और मैं चले जाता हूँ बोलता है, और चूहा भाग जाता है अपने पूंछ को छोड़ के। तो जो पूंछ हो गया और जो छिपकली है, छिपकली का आप लोग देखते होंगे कि झाड़ते ओढ़ते भी उसमें टूट जाता है, तो फिर चुपचाप आराम से चला जाता है, और वह फिर सप्ताह दो सप्ताह में फिर से पूंछ का निर्माण कर लेता है। हम लोग ने अभी तक देखा जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस होता है,
तो प्रोफेज में हम लोगों ने देखा केंद्रक में जो केंद्रिका झिल्ली होता है वह डिजोल्व हो जाता है, जो क्रोमेटिन होता है वह क्रोमोसोम का निर्माण करता है, और जो सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स होता है वह दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है, वो होता है प्रोफेज में। मेटाफेज में देखें हम लोग कि जो क्रोमोसोम होता है वह इक्विटोरियल में स्थिर हो जाता है, इक्विटोरियल में एक सीध में हो जाते हैं, और मेटाफेज में ही हम लोगों ने देखा जो एक केमिकल होता है उसी केमिकल के द्वारा ही यह इसको जो मेटाफेज की जो अवस्था या समय होता है उसको हम लोग वृद्धि कर सकते हैं, अधिक समय तक रख सकते हैं। और उसके बाद में देखा हम लोगों ने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो तर्कु धागे होता है वह तर्कु धागा टूट टूट कर छोटे होने लगता है, और छोटे होने के कारण जो क्रोमोसोम होता है वह टूट मतलब टूट जाता है और फिर ध्रुव की ओर आने लगता है। ये हो गया एनाफेज की बात। और एनाफेज के बाद में टेलोफेज में हम लोगों ने देखा कि टेलोफेज में यह जो केंद्रक होता है वह दोनों ध्रुवों की ओर पहुंच गया होता है, और पहुंचने के बाद में जो और सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं या फिर कोशिकांग होते हैं उसका डबल हो जाता है, और दोनों ध्रुवों की ओर सभी कोशिकांग भी निर्माण हो गया होता है। और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस में हम लोगों ने देखा कि साइटोकाइनेसिस में इसमें क्लीवेज फरो का निर्माण होता है, और क्लीवेज फरो का निर्माण होने के कारण ही फिर ये अलग अलग हो जाता है, दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। और प्लांट सेल में हम लोगों ने देखा कि जो गॉल्जी बॉडी होता है वह क्लीवेज फरो का निर्माण करता है, और क्लीवेज फरो कहने का मतलब इसमें जो सेल प्लेट होता है उसका निर्माण करता है, और सेल प्लेट का निर्माण करने के बाद में फिर जो प्लांट सेल होता है वह भी दो सेल में डिवाइड हो जाता है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा जो माइटोसिस होता है वह सोमेटिक सेल होमे होता है, मतलब जो जनन जो काई कोशिका होता है जो हम लोग का शरीर होता है उसमें कोशिका विभाजन होता है, और उसमें फिर देखे हम लोग कि जो जनन कोशिका होता है वह यदि जनन कोशिका अपनी जो संख्या होता है उसको वृद्धि करने के लिए इसमें जनन कोशिका में भी होता है, और लास्ट में देखे हम लोग कि जो ये घाव भरना होता है वह भी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जो कैंसर होता है वह भी समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो चूहे या फिर छिपकली हो गए उनके जो पूंछ होता है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा ही फिर से नया पूंछ का निर्माण करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मियोसिस। मियोसिस भी काफ़ी डीप है, बट उसको हम लोग जो एग्ज़ाम पर्पस से जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग उसी उसी को हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।